bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum dear students today our 11th lecture of science class 7 chapter number 2 transport in humans and plants and today our topic is diabetes in previous lecture we will in previous lecture we have discussed the ई ब्लड प्रेसर नाउ वी डिस्कस सेकेंड डिजीज ऑफ हर्ट दैट इज डायबिटीज़ डायबिटीज़ को हम शुगर के नाम से भी बुला सकते हैं कि ये डायबिटीज़ को शुगर कहते हैं डायबिटीज़ इज़ अ डिज़ीज़ इन विच अ पर्सन हेज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हीज़ हर बॉडी डज़ नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलीन डायबिटीज़ यानी शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है यानी इसकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है चाहे वो मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो नहीं बन पाती इस वजह से इनको डायबिटीज़ हो जाती है अब इंसुलिन क्या है इंसुलिन एक हार्मोन है इंसुलिन इज़ केमिकल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन और इंसुलिन जो है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में बन रही है तो इंसुलिन जो है वो पेनक्रियास में बनती है इंसुलिन हमारा पेनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन का काम क्या है इसका फंक्शन क्या है इंसोलिन हेल्प टू डिक्रीज़ ब्लड शुगर इंसोलिन हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती है उसको मेंटेन रखती है उसको डिक्रीज़ करती है ठीक है उसको बढ़ने नहीं देती विदाउट इंसोलिन अ पर्सन डिवेल्प डायबिटीज़ अगर इंसोलिन पेनक्रियास में मौजूद ना हो तो पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाती है ठीक है तो ये स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये क्या है ये हमारा पेनक्रियास है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लीफ लाइफ इसका स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन और पेनक्रियास इसी पेनक्रियास के अंदर इंसुलिन बनती है सिम्टम्स नेक्स्ट है सिम्टम्स सिम्टम्स यानी अलामत अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं सबसे पहले लॉस ऑफ वेट यानी वज़न में कमी हो जाना डायबिटिक पेशेंट का वज़न कम होना शुरू हो जाता है नेक्स्ट है फ्रीकेंट यूरिनेशन यानी बहुत ज़्यादा यूरिन आता है बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से यूरिन बार बार पास आउट होता है थर्ड है एसेसिव थर्स्ट यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है पेशेंट को नेक्स्ट है हंगर हंगर के बहुत ज़्यादा भूख लगती है और सम ऑफ दिस सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ तो ये क्या थे ये तमाम डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं अब नेक्स्ट है क्योर क्योर यानी इसका इलाज क्या है अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज हर ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसन्स ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज इसका इलाज यही है कि पेशेंट जो है इसका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसके लिए वो मेडिसिन जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो वो मेडिसन लें शुगर को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशल इंसोलिन जो हैं वो भी मार्किट में अवेलेबल होती हैं तो इंसोलिन जो है उसको इंजेक्शन के थ्रू जो है वो पेशेंट जो है वो यूज़ करते हैं ठीक है वो इंजेक्शन जो है वो इंसुलिन के वो लगाते हैं ताकि उनका शुगर लेवल जो है वो मेंटेन किया जा सकता है उससे मेंटेन रहे इसके अलावा डाइट से भी शुगर को कंट्रोल किया जाता है यानी ऐसी डाइट जिसमें शुगर जो है वो ना हो वो वाली डाइट लें कि आप शुगर से जो है वो परहेज़ करें तो तब भी जो है शुगर लेवल आपकी बॉडी का मेंटेन रह सकता है डॉक्टर्स पेशेंट को डाइट का एक चार्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज भी करनी चाहिए डेली बेसिस पे यानी उसको वॉक भी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है इफ द पेशेंट डज़ नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर ही शी मे बी एट दी रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट एंड हेरिंग यानी अगर पेशेंट जो है वो अपना शुगर लेवल को कंट्रोल ना कर सके कि उसको मेंटेन ना रख सके तो बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं बढ़ सकते हैं जैसा कि उसको और भी बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं उसमें क्या है कि उसमें आईसाइट उसकी नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है हार्ट अटैक पेशेंट को जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है ठीक है उसके सुनने की समात देखने की जो है वो नज़र जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है अगर वो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाए और उसको कंट्रोल ना कर सके और इससे हार्ट अटैक का भी खतरा होता है यानी पेशेंट को दिल का दौरा भी पड़ सकता है गम डिजीज़ जो मसूड़े हैं इनकी बीमारियाँ भी हो सकती हैं किडनी डिसऑर्डर्स यानी कि गुर्दों पर भी असर पड़ता है शुगर लेवल से किडनी फेलियर का भी खतरा होता है तो हमें किडनी डिसऑर्डर भी पेशेंट को हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट को स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक डिवाइस नज़र आ रही होगी एक डायग्राम है डिवाइस है ये शो की गई है इससे डायबिटीज़ को क्या किया जाता है चेक किया जाता है यानी इस डिवाइस के ज़रिए ब्लड को टेस्ट किया जाता है और उसमें शुगर लेवल को मालूम किया जा सकता है कि पेशेंट की शुगर कितनी हाई है तो उस लिहाज से फिर डॉक्टर्स जो हैं आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं या फिर वो इंसुलिन यूज़ करने का मशवरा देते हैं तो ये था कि डायबिटीज़ डायबिटीज़ के हमने सिम्टम्स पढ़े और इसके कंट्रोल के ये कैसे हम कंट्रोल को कर सकते हैं इसको नेक्स्ट डिजीज़ है एस्तमा एस्तमा इज़ एन एलर्जी दैट कॉज दी एयर वेज ऑफ दी लंग्स टू स्वेल एंड नैरो इसका मतलब है कि एस्थमा एक एलर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर एलविलाए होते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे लंग्स के अंदर एलविलाए हैं एलविलाए क्या हैं जिन्हें हम एयर सेक्स भी कहते हैं ठीक है एलविलाई के अंदर जो है ये हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो हो रहा है तो ये एयर सैक्स होते हैं हवा की थैलियाँ होती हैं जिनमें से ऑक्सीजन जो है वो पास आउट हमारी बॉडी में करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है तो ये एलविलाई जो लंग्स में प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं इस्तेमाल जिसको होता है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं यानी सूज जाते हैं और साथ ही नॉर्मल यानी नैरो, सॉरी, तंग होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है वन ही और शी ब्रीथ्स कफ एंड फील टाइटनेस इन चेस्ट तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक पेशेंट को अस्थमा है तो जब वो सांस लेता है तो सांस लेते हुए विजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है वीजिंग साउंड क्या होती है विजिंग साउंड एक विस्लिंग साउंड है जिसे हम सीटी की आवाज़ कहते हैं कि इसमें से सीटी की आवाज़ आ रही है तो अस्थमा का जो पेशेंट है चाहे वो मेल है या फीमेल है ही है या शी है तो इसके सांस के साथ एक सीटी की आवाज़ जो है वो जनरेट होती है जिसे हम वीजिंग साउंड कहते हैं इसके साथ इसे सांस लेने के साथ साथ खांसी भी होना शुरू हो जाती है और हमेशा जो है उसे घुटन घुटन सी महसूस होती है सा, और सांस लेने में दुश्वारी होती है बिकॉज ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ़ स्वेलिंग ऑफ एयर सेक्स इन लंग्स कि जो एलविला हैं वो क्या होते हैं स्वेल होना और नैरो हो जाते हैं लंग्स में जिसकी वजह से ये सारी जो है अलामत होती हैं कि दुशारी होती है सांस लेने में और सीटी की आवाज़ आती है स्टूडेंट्स ये एक डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपको नॉर्मल लंग्स है और नॉर्मल लंग्स के अंदर जो एलविलाए हैं तो इनको अगर हम ओपन करके देखें ये देखें आपको लेफ़्ट साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे शो हो रहे होंगे नॉर्मल लंग्स तो ये नॉर्मल लंग्स जो हैं उनके एलविलाए आपको दिखाए गए हैं तो ये जो पाइप की शक्ल में आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है इस डायग्राम का तो ये एलविलाए का इंटरनल स्ट्रक्चर है और एलविलाई का होते हैं लंग्स में तो इनको बड़ा करके शो करके दिखाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो एलविलाए के अंदर से ये जो है ये ऐसे पाइप नुमा ये ऐसे नज़र आते हैं तो इसमें क्या है नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस मौजूद है नीचे आपको शो हुआ हुआ है नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस की लेबलिंग दी हुई है और नॉर्मल लाइनिंग भी दी हुई है इस डायग्राम में ये जो साइड पे आपको येलोइश लाइनिंग नज़र आ रही है ये क्या है म्यूकस की लाइनिंग है अब म्यूकस क्या है म्यूकस जो है एक स्टिकी लिक्विड होता है ठीक है तो ये जो है प्रोड्यूस होता है हमारे एलविलाई के अंदर दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे आपको पेशेंट की लंग्स दिखाई गई हैं कौन से पेशेंट की एस्टमिक पेशेंट की तो ये एस्थमिक लंग्स जो हैं ये अफेक्टेड हैं किससे एस्थमा से तो इसकी लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स हैं जो एलविलाई नज़र आ रहे हैं तो अगर हम इनको देखें तो हमें पता चल रहा है कि एलविलाई की लाइनिंग में स्वेलिंग हुई हुई है ठीक है ये स्वेलो लाइनिंग जो है म्यूकस की ये आपको नज़र आ रही होंगी तो यहाँ पर आप म्यूकस की लाइनिंग देखें कि वो म्यूकस यहाँ पर थिक हो गया है और इसकी ओपनिंग जो वो है वो बहुत नैरो हो गई हैं जबकि नॉर्मल लंग्स में एलविलाई की ओपनिंग बहुत ज़्यादा है यानी वो खुली है ठीक है वो नैरो नहीं है तो एलविलाई की ओपनिंग जो है नैरो होने की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है पेशेंट को नॉर्मल लंग्स के जो रिलैक्स मसल्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि नॉर्मल लंग्स के ये जो पाइप नुमा नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर डार्क कलर के जो नजर आ रहे हैं ये मसल्स हैं और ये क्या हैं रिलैक्स हैं यानी ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में हैं जबकि एस्टेमिक लंग्स के मसल्स जो हैं वो बहुत टाइट हो गए हैं आप राइट साइड पे देखें तो इसमें टाइटनेस नज़र आ रही है जैसे रस्सी खिंची खिंची होती है ना तो वो टाइट हो जाते हैं तो इसी तरह ये टाइट नज़र आ रहे हैं आपको मसल्स तो इस डायग्राम में हमने बेसिकली नॉर्मल लंग्स और एस्थमिक लंग्स का हमने कंपैरिजन किया है अब एस्थमा के जो हैं ये आपको डायग्राम क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो नॉर्मल एलविलाई के जो म्यूकस है ओपनिंग्स हैं एलविलाई की वो ठीक हैं रिलैक्स हैं ओपनिंग जो है वो अपने प्रॉपर पोजीशन में है जबकि एस्थमिक जो लंग्स हैं वो उनके जो मसल्स हैं आपको टाइट नज़र आ रहे हैं उसका म्यूकस जो है वो थिक हो गया है और उनकी लाइनिंग जो है वो नैरो हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉपर जो वे नहीं मिल रहा सांस लेने के लिए तो ब्रीथ करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है अब नेक्स्ट हैं अस्थमा के कॉजिस क्या हैं यानी वो क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है द थिंग्स that कैन cause asthma आर कॉल्ड एलर्जेंस ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से अस्तम होता है इन्हें हम एलर्जेंस कहते हैं यानी पेशेंट एस्तम का जो पेशेंट है उसको एलर्जी हो जाती है कुछ चीज़ों से और इसको अस्तमा का अटैक होता है एलर्जी की वजह से और जिन चीज़ों से होता है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं एलर्जेंस ठीक है अब एलर्जेंस उसको पेशेंट को एलर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है डस्ट से हो सकती है माइट्स से हो सकती है अब माइट्स क्या हैं माइट्स जो हैं वो स्मॉल ऑथ्रोपोड्स हैं यानी स्मॉल छोटे छोटे कीड़े हैं इसके अलावा पोलन ग्रेन्स हैं फूलों से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है फ्लावर्स के ऊपर पोलन ग्रेन जो हैं ये मौजूद होते हैं फूलों के अंदर सेंटर में आपको छोटे छोटे से दाने नुमा नज़र आते होंगे फूल के अंदर तो फ्लावर्स के सेंटर में ये पोलन ग्रेन्स होते हैं और नेक्स्ट है सम फूड में कॉज एस्तम के कुछ खानों की वजह से भी एलर्जी होती है यानी उसका अरोमा उसकी स्मेल जो है उससे भी एलर्जी होती है एस्तमिक पेशेंट को और जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है खांसी आना शुरू हो जाती है अब नेक्स्ट क्या है ये तो थे काजेज़ ऑफ़ आजमा नेक्स्ट है सिम्टम्स यानी अमात क्या हैंमा की अलात कौन कौन सी हैं सिम्टम्स ऑफ एन एस्तम अटैक में भी कफ यानी जब भी पेशेंट को एस्तम का अटैक होता है तो इसको खांसी शुरू हो जाती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुशारी होती है सांस उखड़ उखड़ कर आता है वीजिंग वीजिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है सांस लेने के साथ साथ यानी उसकी सांस के साथ सीटी की आवाज़ निकलती है एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग सीने में जो है वो दर्द होता है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है यानी सांस उसका प्रॉपर जो है वो नहीं आ रहा होता नेक्स्ट है चेस्ट पेन सीने में दर्द महसूस होता है बहुत ज़्यादा इसके साथ जो है स्वेटिंग स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है यानी पसीना आने लग जाता है पेशेंट को उसके बाद है इंक्रीज पल्स रेट जो पल्स रेट हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है नब्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग पड़ती है सवियर अस्थमा अटैक में लीड टू डेथ अगर अस्थमा अटैक बहुत शदीद हो तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ये सिम्टम्स कौन से हैं और किन की वजह से जो है पेशेंट को अस्थमा होता है कि यानी कैसे पता चलता है कि पेशेंट को अस्थमा हो गया है तो इन सिम्टम्स की वजह से पता चलता है नेक्स्ट है कि क्योर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसका क्योर क्या है इसका इलाज क्या है इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्तम बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्तम एस्तम का इलाज वैसे तो इतना आसान नहीं है लेकिन एस्तमिक पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल और एक्टिव रह सकते हैं अपने लाइफ में अगर वो क्या करें ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्तम यानी जिस चीज़ से उन्हें एलर्जी होती है उससे वो दूर रहें उससे अवॉइड करें जैसा कि माइट्स हैं पोलन ग्रेन्स हैं डस्ट है अगर इनमें से किसी चीज़ से उनको एलर्जी होती है तो इन एलर्जन से वो दूर रहें तो वो अस्थमा के अटैक से बच सकते हैं यानी उनको शदीद जो है वो नहीं हो सकता और उनको सांस लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर इट विल गिव यू रिलीफ़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिससे उसे बहुत आराम महसूस होता है यानी जब खांसी शुरू हो जाती है या सांस लेने में दुशारी हो रही होती है तो उसे क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर यूज़ मेडिसन्स और इन्हेलर अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करे मेडिसन तो वो आप लें इसके अलावा इन्हेलर यूज़ किए जाते हैं साइड पे आपको इन्हेलर दिखाया गया है ये देखें ये डिवाइस इन्हेलर की नज़र आ रही है आपको इस इन्हेलर के अंदर मेडिसन डाल दी जाती है और मुंह के इस इन्हेलर के जरिए मेडिसन आपके मुंह तक जाती है ठीक है मुंह में स्प्रे किया जाता है ताकि ये हमारी विंड पाइप के अंदर पहुंच जाए और हमारी ओपनिंग्स को खोल दे कि जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सांस नहीं आ रहा होता पेशेंट को सांस लेने में ताकि उसको आसानी हो तो ये इन्हेलर अगर मेडिसिन से काम नहीं बन रहा तो डॉक्टर्स जो हैं ये इन्हेलर यूज़ करने का मशवरा देते हैं ताकि उनकी सांस जो है वो इजी वे में आ सके क्लियर हो गया अब नेक्स्ट है होमवर्क लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपने ये क्या है याद भी करने हैं और लिखने में भी हैं अगर आप पहले लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने बस याद करना है अगर नहीं लिखे हुए आपकी नोटबुक पर नोट डाउन नहीं है तो आपने इन्हें लिखना भी है और याद भी करना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़